नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजे सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल कस्टमर केयर का नंबर, जो कि आपसे तुरंत बात होगी। ये कैसे बात होगी, कैसे करना, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर नंबर जो है 1800180222, ठीक है, 4 बार 2 लिखना है। ठीक है, एक बार और मैं नंबर आपको बताता हूँ, यही वाला, और रिपीट करता हूँ, आप मैच कर लीजिए आपने नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 1800180, फिर उसके बाद 2222, ठीक है, 4 बार 2, इस तरीके से ये नंबर है। इस पे आपको कॉल करना है। जैसे आप इसके ऊपर कॉल करते हो इस नंबर पे, तो वहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा कि किस भाषा में आप बात करना चाहते हो। तो वहाँ पर आपको क्या 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 करना है, वहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करना है या फिर इंग्लिश, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए हिंदी सिलेक्ट कर लिया, फिर आगे आपसे पूछेगा जैसे कि अकाउंट के रिलेटेड, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए ये दबाओ या पिन जनरेट करने के लिए ये दबाओ, बैलेंस चेक करने वाला तो वैसे नहीं आता, और बाकी वहाँ पर और बहुत सारे आएंगे, जैसे कि आपको बताएगा कि जो आपसे अकाउंट के बारे में, जैसे लोन वगैरह के लिए ये दबाओ, इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको किसी एक ऑप्शन के अंदर जाना है। जैसे कि वो बोलता है कि एक एटीएम कार्ड ब्लॉक करने के लिए 2 दबाओ, तो आप 2 दबाए, उसके अंदर गए, फिर वहाँ पर आपसे पूछेगा एटीएम कार्ड के नंबर बताओ, उसके बाद इस तरीके से वहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, और एक्सपायरी डेट बताओ अपने एटीएम कार्ड की, कब आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो रहा है, इस तरीके से आपसे कुछ डिटेल लेगा। और वहीं पर अगर आपको एक ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है जिसमें कि बोलता है कि हमारे जो कॉल एग्जीक्यूटिव हैं उनसे बात करने के लिए 9 दबाओ, 6 दबाओ, 7 दबाओ, जो भी बताता है वो, तो उस पर आपको दबाना है, और फिर आपकी कॉल जो कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगी, फिर आप उनसे बात कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपको पूछना हो, जो भी क्वेश्चन हो आपका, वो आप उनसे पूछ सकते हो अपने अकाउंट के बारे में, जैसे बैलेंस कटा हो या फिर आया हो उसके बारे में, या फिर कितना बैलेंस बचा, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको पता करना है तो वहाँ उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।